हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है तरुण। आप देख रहे हैं माय टेक्नोसॉफ्ट यूट्यूब चैनल। एचटीएमएल की सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम फॉर्म पे काम कर रहे थे। फॉर्म में हम आगे कंट्रोल, जैसे हमने टेक्स्ट बॉक्स बताया, रेडियो बताया, टेक्स्ट बॉक्स, इसी तरीके से अब आगे हम चलते हैं फाइल कंट्रोल पे। फाइल कंट्रोल क्या होता है? बेसिकली हम जब भी किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ पे वो हमसे बोलता है, आप प्लीज अपलोड योर पिक्चर, प्लीज जॉब साइट पे देखते हो तो प्लीज अपलोड योर रेज्यूमे, ठीक है, या फेसबुक पे पिक्चर अपलोड करते हैं, वीडियो अपलोड करते हैं, या कुछ भी इस तरीके के कंटेंट जो हम सर्वर पे भेज रहे हैं फाइल फॉर्मेट में, तो वहाँ पे हम फाइल कंट्रोल यूज़ करते हैं। फाइल कंट्रोल भी हमारा वैसे ही यूज़ होता है जैसे आपने टेक्स्ट बॉक्स किया, इनपुट टाइप टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट, पासवर्ड, ईमेल, ऐसे ही यहाँ पे टाइप हो जाता है फाइल, ठीक है, फाइल जो डिफाइन करता है कि यहाँ से फाइल अपलोड होगी। इसमें जो साइज है वो ऐसा जितना कोई मेंशन नहीं करता कि कितना होना चाहिए, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट आपके जो फाइल का यूआरएल है वो मेंशन दिखाता है आपको। नेम आप इसको यूनिकली डिफाइन करने के लिए करते हैं। इसमें लेंथ का ऐसा इतना कोई यूज़ नहीं होता, बट आप इसमें दे सकते हैं कि इतने लेंथ की ही आपकी होनी चाहिए, ठीक है। इसको आप कैसे यूज़ करते हैं एचटीएमएल में, ये देख लेते हैं हम। चलते हैं अपने नोटपैड पर। यहाँ हम आ गए हैं, यहाँ से हमने इसको रिफ्रेश किया एक बार। नाउ अब हम इसमें फाइल कंट्रोल लगाते हैं, तो इसमें लिखते हैं इनपुट टाइप स्लैश करते हैं फाइल, ये आपका हो गया यहाँ पर। क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन हमें सर्वर पे भेजेगा, इसलिए यहाँ पर हम इसकी आईडी हम इसको दे देते हैं फाइल वन, और नेम दे देते हैं। नेम और फाइल आईडी सेम हो सकती है क्योंकि वो हमारे अपने यूज़ के लिए होते हैं, इन्फॉर्मेशन भेजने के लिए कस्टमर्स को, या हमारे विजिटर्स को, हमारे व्यूवर्स को, रीडर्स को। इस आईडी और नेम से कोई मतलब नहीं होता, ये हम अपने डेवलपिंग पर्पस से हम इसको यूज़ करते हैं, और आईडी यूज़ करते हैं हम इसकी इन्फॉर्मेशन को पहचानने के लिए कि जो इन्फॉर्मेशन सर्वर पर जा रही है वो किस कंट्रोल से जा रही है, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से सेव कर देते हैं या रिफ्रेश करते हैं, तो आप यहाँ देखेंगे किस तरीके से आ गया। अब मैं इस पर चूज फाइल करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे चूज फाइल करूँगा ये मेरे को ले जाएगा मेरे सिस्टम के अंदर, और मैं यहाँ से कोई भी पिक्चर अपलोड कर सकता हूँ। यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं ये पिक्चर सेलेक्ट करता हूँ, ये मेरे पिक्चर का नेम आ गया, और यहाँ सबमिट बटन होगा, मैं क्लिक करूँगा तो ये मेरी पिक्चर सर्वर पर ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो ये था आपका फाइल कंट्रोल, जिससे आप अपनी कोई भी फाइल अपने सर्वर पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।